Hello everyone, welcome to Sangeeta Cooking Style. तो आज हम बनाएंगे छोले। चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए है। तो ये मैंने काबुली चने, इसको मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये मैंने टमाटर काट लिए हैं प्यूरी बनाने के लिए, और ये मैंने छोटे छोटे पीस में आलू काट लिए हैं, और ये प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची, और ये कुछ ड्राई मसाले हैं जिसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए अपने सारे मसालों को ग्रेवी बनाने के लिए प्याज, टमाटर सबको ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट, ये सब मैंने ग्राइंड कर लिया, और ये मसाले मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। तो ये चलिए बनाते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है कुकर में, गरम होने देंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले जो मैंने दिखाए थे वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे जीरा ऐड कर दिया मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट जो हमने बना लिया है, और इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद हम यहाँ पे प्याज ऐड करेंगे। यहाँ मैंने प्याज ऐड कर दिया, उसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा कलर चेंज हो गया उसका। यहाँ आलू ऐड कर देंगे, और आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। हमें आलू को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने तक भून लेना है। तो मैंने ढक दिया है 1 सेकेंड के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये आलू हो गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अब चना ऐड कर देंगे, जो काबुली चने हैं वो हम ऐड कर देंगे, और उसे भी बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो यहाँ मैं काबुली चना ऐड कर दे रही हूँ, और इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे हम चने को। इसके ऊपर जो एक क्लियर सी बन जाएगी। बेसिकली ये 1 पॉट डिश है, मुझे बार बार इसे उबाल के भी बनाते हैं, पर उबाल के बनाने का टेस्ट अलग आता है। तो मैं यहाँ कुकर में ही बना रही हूँ एक साथ। तो देखिए यहाँ पे इसे भून लेंगे बहुत अच्छे से, इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, इसके ऊपर वाइट वाइट से निशान बन जाएंगे। भूनने के देखें इसे बहुत अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले ऐड करूँगी जो प्याज हमने पीस लिया था, जो प्याज ग्राइंड किया था उसे ऐड कर देंगे, और उसे भून लेंगे। बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए उसके बाद तक भूनेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे, और टमाटर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और टमाटर गल जाने तक इसे अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ मैं इसे अभी 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। उसके बाद देखिए इसमें वो ऑयल आ गया बहुत अच्छे से। अब इसके बाद हम इसी में मसाले ऐड कर देंगे, ताकि जो ड्राई मसाले हैं वो इस टमाटर के साथ ही भुन जाए। तो ये जो मैंने मसाले यहाँ पे ऐड करूँगी, ये जो ग्राइंड कर लिया था हल्दी, उसके बाद सॉल्ट ऐड कर देंगे। अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
वैसे बहुत अच्छे से भून लेंगे जब तक मसाले अच्छे से भून ना जाए, इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ चलाते हुए हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। इसे जब तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, इसमें से ऑयल रिलीज ना हो जाए। बहुत टमाटर भी बहुत अच्छे से पक जाएंगे। इसे मैंने ढक दिया था, देखिए तो ये ऑलमोस्ट होने ही वाला है। ये भुन गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब देखिए तो मसाले बहुत अच्छे से भुन गए हैं। अब यहाँ पे हमें जितना पानी चाहिए उस हिसाब से हम ऐड कर लेंगे। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए आप उतना ऐड कर सकते हैं पानी। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ही पानी ऐड करूँगी। और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 6-7 सीटी आने तक पका लेंगे। यहाँ मैंने रख दिया सीटी के लिए। तो देखिए इसमें एक सीटी आ गई है। ऐसे ही सारी सीटी लगा लेंगे और मुश्किल से 10 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो ये छोले यहाँ पे 6-7 सीटी हो गई है, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे सर्व करेंगे। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो यहाँ छोले रेडी हैं सर्व करने के लिए। गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।